हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं एक लेटेस्ट जजमेंट से रिलेटेड। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है और ये लेटेस्ट जजमेंट ये बता रहा है कि अगर कोई मैट्रिमोनियल ऑफेंस है और अगर अपोजिट पार्टी को ये लगता है कि उसको एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो जाता है तो कोर्ट उसको बाध्य नहीं कर सकती कि वो अपोजिट पार्टी को इंटरिम कंपनसेशन दे। तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि स्टोरी के माध्यम से। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट में ये बताया गया कि जो पार्टी थी उसमें हस्बैंड के ऊपर 498 ए और 3/4 डाउरी एक्ट का केस था, तो उसको एंटीसिपेटरी बेल के लिए उसने डाला। तो हाई कोर्ट ने उसको ये कहकर कह दिया कि पहले आप इतना 10 लाख का जो इंटरिम कंपनसेशन है वो अपनी वाइफ को अपोजिट करें, तो डिपॉजिट करने के लिए उसको कंडीशन लगा दी, तो वह उसके लिए चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस बात से ये इनकार करते हुए कहा कि अगर कोई अनरीजनेबल कोई कंडीशन है तो उसको रोक लगा देगा। मतलब कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप इस तरह की कंडीशन नहीं दे सकते कि कोई इंटरिम कंपनसेशन आप उसको पार्टी को दो तब जाके हम आपको एंटीसिपेटरी बेल देंगे। तो इस केस में यही था कि पार्टी को जब एंटीसिपेटरी बेल चाहिए यानी कि हस्बैंड को चाहिए था क्योंकि उसके ऊपर 498 ए और 3/4 डाउरी एक्ट का केस लगा था, तो वो चला गया एंटीसिपेटरी बेल के लिए। तो हाई कोर्ट ने ये कंडीशन ये देते हुए कहा कि पहले आप वाइफ को 10 लाख का एंट्रीम कंपनसेशन दीजिए और एंट्रीम कंपनसेशन देने के बाद ही आपको अरेस्ट प्री अरेस्ट बेल का ही आपको अलाउ करेंगे। तो इसके लिए वो चला गया सुप्रीम कोर्ट, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस जजमेंट को कंडीशनल कह दिया और उस पर रोक लगा दी और ये कहा कि किसी तरह का एंट्रीम कंपनसेशन अगर कोई कंडीशन आप लगाते हैं और एंटीसिपेटरी बेल, तो वो कोर्ट उसको बाध्य नहीं कर सकती और उसकी अपील को अलाउ कर दिया। तो आपको ये जजमेंट कैसा लगा? अगर आपको ये जजमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे इसको आप लिखिए और मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।